लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल सीमा पर बसे थारू जनजाति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग कई तरह की कोशिशें कर रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के थारू जनजाति इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया गया। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने इंडो नेपाल सीमा की गौरी फंटा और चंदन चौकी के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। इसके अलावा थारू जनजातीय इलाकों के विभिन्न गांवों के लिंक मार्गों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता अनिल कुमार यादव ने बताया कि इलाकों में अधिकतर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और अन्य सड़कों का निर्माण कार्य गुणवत्ता के आधार पर जल्द ही पूरा किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक थारू जनजाति एरिया के विकास की बात है, सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात पर पूरा जोर है कि उस एरिया का चौमुखी विकास किया जाए। इसमें सड़कों का एक अहम रोल होता है, और अगर इस एरिया की हम बात करें तो आप वहाँ देखेंगे कितने समय जो है दुधवा से चंदन चौकी और पलिया से गौरी फंटा तक जो लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पूर्ण गुणवत्ता के साथ हम लोगों ने काम पूरा कराए हैं। जो सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त थी, वर्तमान समय में बहुत अच्छी कंडीशन में हम लोगों ने उनको करा लिया है, और एक जो वर्ल्ड क्लास बिटनेस रोड होती है उस तरह का हम लोगों ने बनाया है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग थारू जनजात के विभिन्न गांव की बात करें, जो लिंक मार्ग थे मेन सड़कों से जो गाँव को कनेक्ट करते थे, ऐसे लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 26 गाँव में सड़कों का निर्माण कराया था, और इस वर्ष में भी जो है हमने जो है 3 गांव में जो है सड़कें स्वीकृत कराई थी, जिनका काम हमारा लगभग पूरा हो गया है। और अब वहां पर हमें 2 गांव का और कराना है, जिसके लिए आगरा ऑलरेडी प्रेषित है। इस तरह से हमारा पूरा जो थारू जनजाति एरिया के जितने भी गांव हैं 100% जो है संतृप्त रहेंगे सड़कों के मामले में, और उनकी गुणवत्ता पूर्वक जो है जो हमें आवागमन की सुविधा है, जो वहाँ की राइडिंग क्वालिटी है, वो हमें अच्छी मिलेगी।